जय श्री कृष्ण बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 से पाठ 5 अनोखी सूझ। इस अनोखी सूझ पाठ को हम पढ़ चुके हैं और इसके प्रश्न संख्या 1 से 6 तक पहले हम कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न संख्या 12 को समझेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही व गलत होने पर गलत का निशान लगाएं। इसमें सही और गलत का निशान है। अब आप इस लाइन को जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लाइन सही लिखी है या गलत लिखी है। सही लिखी है तो हम सही का निशान लगाएंगे। अगर ये लाइन गलत है, ये पढ़ने में आपको गलत लगता है, तो इसमें हम गलत का निशान लगाएंगे। क है, देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। देवता और दानव दोनों में हमेशा युद्ध होता रहता था। क्या ये बात सही है या गलत है? तो हाँ, ये बात सही है, क्योंकि देवता और दानव में हमेशा ही युद्ध होता रहता था। तो हम यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। ख है, देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया। क्या देवता और दानव को एक ही कमरे में बिठाया था या उनको अलग-अलग में बिठाया था? तो ये लाइन हो गई गलत, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देवता को अलग और दानव को अलग, दोनों को अलग-अलग कमरे में बिठाया था, इसलिए ये लाइन क्या हो गई? गलत। तो हमने यहाँ गलत का निशान लगा दिया। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। प्रजापति ने कोई शर्त नहीं रखी थी, क्या बिना शर्त भोजन करवाया? तो ये बात हो गई गलत, क्योंकि प्रजापति ने तो भोजन करने के लिए क्या रखी थी? शर्त रखी थी। क्या शर्त रखी थी? कि कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी समाप्त करना है। तो उन्होंने शर्त के साथ भोजन कराया। और यहाँ क्या लिखा है? कि प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। तो ये बात हो गई गलत, इसलिए हमने इस पे गलत का निशान लगा दिया। घ है, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। जो देवता थे वो परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। तो ये बात सही है या गलत? ये बात सही है, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, इसलिए हमने यहाँ पे सही का निशान लगाया। प्रश्न संख्या 8 है, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? प्रजापति ने भोजन करने के लिए कौन सी शर्त रखी थी, क्या शर्त थी उनकी? उत्तर है, प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है। प्रजापति जी ने क्या शर्त रखी थी? कि भोजन तो करना है लेकिन कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए। तो भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है। प्रश्न संख्या 9, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? देवताओं ने अपनी सूझबूझ, सूझबूझ का मतलब अपनी बुद्धिमानी, अपनी समझ कैसे दिखाई? तो देवताओं ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। देवताओं ने क्या किया था? एक दूसरे के मुंह में लड्डू दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी की शर्त क्या थी? कि कोहनी नहीं मोड़ना है। तो स्वयं खाते तो कोहनी तो मोड़नी ही पड़ती, इसलिए उन्होंने अपनी समझदारी से एक दूसरे के मुंह में लड्डू दिया और फिर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। प्रश्न संख्या 10 है, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? शोरगुल यानी शोर की आवाजें आ रही थी, ये कौन कर रहे थे? उत्तर है, शोरगुल दानव कर रहे थे, क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। तो शोर कौन कर रहे थे? दानव। दानव कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने जब कहा था कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लड्डू ऊपर की ओर उछालेंगे और सीधा लड्डू मुंह में आ जाएगा। तो इस तरह से वो लड्डू उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। जब लड्डू को ऊपर उछाल रहे थे तो उसको लपक के उनको खाना था, मुंह में लेना था। तो सीधा अगर मुंह में आता है तो खा लेते हैं, नहीं तो वो लड्डू टूट के बिखर जाता। तो वहां पे वो चिल्लाने लगे थे और एक दूसरे में धक्कम धक्की भी हो रही थी। इस तरह उनकी आपस में कैसी आवाजें आ रही थी? शोरगुल करने की आवाजें उनसे आ रही थी। प्रश्न संख्या 11 है,
प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति यानी ब्रह्मा जी के पास जब देवता और दानव दोनों ही गए थे तो उनके सामने ये समस्या थी कि दोनों में से मैं श्रेष्ठ किसको बताऊं? देवता को बताऊंगा तो दानव नाराज हो जाएंगे, अगर दानवों को बताऊंगा तो देवता नाराज हो जाएंगे। तो प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? तो इसका उत्तर है प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। किसे श्रेष्ठ बताया? देवताओं को, क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। कौन सी भावना से? सहकार की भावना। सहकार का मतलब सहयोग की भावना, आपस में सहयोग की भावना से काम लिया था। उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। देवताओं ने क्या किया था? बिना कोहनी मोड़े खाना था, तो उन्होंने एक दूसरे को मुंह में लड्डू देना शुरू किया, तो इससे उनको कोहनी भी नहीं मोड़नी पड़ी और एक दूसरे को सहयोग भी किया। खाना दोनों ने खाया, तो उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। दूसरे ने उनके मुंह में लड्डू दिया, इन्होंने सामने वाले के मुंह में दूसरे को लड्डू दिया, तो आपस में एक दूसरे को लड्डू देने से उनका पेट भी भर गया, उन्होंने खुद भी खाना खा लिया और उन्होंने दूसरों को भी खिलाया। प्रश्न संख्या 12 है, टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ बताइए। टूट पड़ने का एक अर्थ क्या है? झपटना। तो इसी तरह जो नीचे दो मुहावरे लिखे हैं हमें इसका अर्थ बताना है। तो टूट पड़ने का अर्थ क्या हुआ? झपटना। अब है पहला, चूर चूर होना। चूर चूर होना एक मुहावरा है, अब इसका हम अर्थ क्या बताएंगे? बिखर जाना। चूर चूर होना का मतलब बिखर जाना। कोई चीज टूट के अगर चूर चूर हो जाती है तो वो क्या होती है? बिखर जाती है। तो चूर चूर होना का मतलब बिखर जाना। दूसरा है सूझ बूझ दिखाना। सूझ बूझ दिखाना इसका अर्थ क्या है? समझ से काम लेना। सूझ बूझ दिखाना का क्या अर्थ है? समझ से काम लेना या समझदारी से काम लेना। जैसे देवता और दानव दोनों के सामने समस्या थी कि खाना कैसे खाएं, लेकिन उन्होंने क्या किया? देवताओं ने समझदारी से काम लिया, एक दूसरे के मुंह में लड्डू दिए, तो उन्होंने क्या दिखाई? समझदारी। तो उन्होंने क्या दिखाई? सूझबूझ दिखाई, और उन्होंने ब्रह्मा जी की शर्त का पालन किया और भोजन भी पूरा किया।